हेलो डियर स्टूडेंट्स और पेरेंट्स, हाफ ईयरली एग्जाम शुरू होने वाला है, चाहे वो साइंस स्टूडेंट हो, कॉमर्स स्टूडेंट हो, किसी भी स्ट्रीम का स्टूडेंट हो, और रिवीजन बड़ा फैक्टर हो जाता है। रिवीजन इतना बड़ा फैक्टर है कि रिवीजन की वजह से बच्चे रिवीजन सही से ना हो पाए तो फेल तक हो जाते हैं बच्चे। जो बच्चे पास होने थे बढ़िया नंबर से और उनका रिवीजन सही नहीं हुआ तो वो किनारे पर रह गए या फेल हो गए या बुरा हालात हो गए। ये कुछ ऐसे हालात हैं जैसे एक बंदर को सेब के बगीचे में छोड़ दो, वो सेब तोड़ता है यहाँ रखता रहता है, सेब तोड़ता है यहाँ रखता रहता है। तो एक अच्छा बच्चा भी सारे चैप्टर को पढ़ता रहता है, पढ़ता रहता है, पढ़ता रहता है। जब उसका एग्जाम नजदीक आता है तो उसके पास एक ही चैप्टर बचता है, वो चैप्टर है आखिरी चैप्टर जो उसके टीचर ने अभी पढ़ाया था। रिवीजन करने बैठता है तो रिवीजन में चार चैप्टर छूट गए, दो चैप्टर छूट गए, कल तो मेरा पेपर है, परसों मेरा पेपर है, अनगिनत गलतियां, पूरे पूरे चैप्टर, पूरी पूरी यूनिट छोड़ के जाते हैं बच्चे। तो रिवीजन में कौन सी गलतियां होती हैं जो बच्चे को नहीं करनी चाहिए कि उसका पेपर बढ़िया से गुजर जाए? तो भैया आज मैं आपको यही बातें बताने जा रहा हूं। आज हम पता करेंगे कि कैसे रिवाइज करना चाहिए किसी भी सब्जेक्ट को जब पेपर नजदीक आने वाला हो, एक दिन है, दो दिन है, तीन दिन है। जैसे सबसे बड़ी गलती बच्चे जो पहली गलती करते हैं वो ये होती है कि जैसे कल एग्जाम है तो आज पढ़ने बैठ गए तो एक पूरे चैप्टर को डिटेल में पढ़ना शुरू कर दिया, पता लगा 4-5 घंटे बीत गए, बस बाकी चैप्टर रह गए। तो हमें चैप्टर को, हमें जो रिविजन है उसको स्टेप वाइज करना है। तीन स्टेप में हम लेके जाएंगे रिविजन को। पहले स्टेप में जब आप रिविजन करने बैठोगे तो यहाँ ऐसा नहीं कि एक चैप्टर को एक साथ, मान लो आपके 6 चैप्टर एग्जाम में आ रहे हैं तो आपको, मैं एक एग्जाम्पल अपने सब्जेक्ट का ले लेता हूँ, जैसे फिजिक्स का है, पहले तो उस एग्जाम को देखिए कि एग्जाम कैसा है। तो हाफ ईयरली की बात कर रहे हैं, आज हाफ ईयरली स्पेशल बात कर रहे हैं, तो हाफ ईयरली में क्या आएंगे? सिंगल चॉइस, एजर्सन निजन, न्यूमेरिकल, डेरिवेशंस, और स्कूल का एग्जाम है तो बहुत डेप्थ नॉलेज तो नहीं देखेगा आपकी, है ना? इसका मतलब बहुत सारे क्वेश्चन तो ऐसे होंगे जो आपके फॉर्मूला बेस्ड होंगे। तो सबसे पहले रिविजन जो आपका होना है वो फॉर्मूला बेस होना है हर चैप्टर का, मतलब वो बात जो आपको याद रहनी चाहिए पेपर में, बेसिक बेसिक फॉर्मूला। जैसे मैं फिजिक्स का एग्जांपल हूं तो इक्वेशन ऑफ मोशन कैसे लिखते हैं, रेंज, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, मैक्सिमम हाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट, इनके फॉर्मूलाज का रिविजन करना है आपको। और वो फॉर्मूलाज का जो रिविजन है वो तीन, जितने चैप्टर आपके सिलेबस में आ रहे सबका एक साथ, इस काम में बहुत कम टाइम लगेगा। यहां एक साथ साथ आपको एक और काम करना है कि जितने भी चैप्टर हैं आपके साथ साथ जो आपने फॉर्मूला लिखे वो किसी एक पेज पे लिखते जाएंगे कॉपी में। ये शॉर्ट नोट बनेंगे आपके, बहुत काम आने वाले हैं। एग्जाम से 5 मिनट पहले भी आप इनको रिवाइज करोगे तो फटाफट सारे फॉर्मूले रिवाइज हो जाएंगे। ये काम आपको पहले स्टेप में करना है और सारे चैप्टर का करते जाना है। आपको बार बार रुकने का मन करेगा कि यार देख तू डेरिवेशन कैसे कर रहा है ना, ये कैसे लिखा गया। आपको सीधे फॉर्मूला देखो उसमें कौन सी क्वांटिटी है ये निकल जाओ पहले पार्ट में, ठीक है? ये पहला फेज हो गया, आपने सारे चैप्टर्स के फॉर्मूला देख लिए। अब सोचो अगर एक्सीडेंटली आपका एक चैप्टर छूट भी गया और आपको फॉर्मूला पता है तो कोई बेसिक क्वेश्चन तो मिल ही सकता है आपको पेपर में कि जो आप फॉर्मूला से ही सॉल्व कर लो। और एक तरफ आप क्या गलती करके जाते हो कि पूरा का पूरा चैप्टर छोड़ के जाते हो। तो यानी कि आपको पहले स्टेप ऐसे फॉलो करना है, बहुत हेल्प मिलने वाली है। दूसरे स्टेप में आप क्या करो, जैसे अच्छा यहाँ और सब्जेक्ट में क्या कर सकते हैं, फिजिक्स है ये तो, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इन सब में क्या करना चाहिए? जैसे केमिस्ट्री है तो मेन रिएक्शन को याद करें आप, जो कंपाउंड है उनको याद कर लो, है ना? बायो है, बायो में टर्मिनोलॉजी याद करो पहले अटेम्प्ट में, कोई डायग्राम है डायग्राम में देखो क्या क्या नाम लिखे हुए हैं, क्या क्या इनके वर्क है, ये देखना है। दूसरे जब स्टेप पे जाओगे आप, दोबारा चैप्टर को शुरू करो, अब की बार जाओ जैसे फिजिक्स में डेरिवेशंस क्या थे, कंसेप्ट क्या थे, एंड कंसेप्ट, ठीक है? और फटाफट बढ़ते जाओ, पलटते जाओ पे, सारे डेरिवेशन कंप्लीट करते जाओ, हर चीज को समझ के जाओ। उसमें न्यूमेरिकल्स होंगे, एग्जाम्पल होंगे जो टीचर क्लास में कराते हैं, नहीं अभी अभी पहले आप पूरा थ्योरेटिकल पोर्शन, कंसेप्ट और डेरिवेशन करके जाओ, कंप्लीट करके जाओ। जैसे केमिस्ट्री में अब वो मैकेनिज्म पढ़ो, रिएक्शन के मैकेनिज्म क्या थे, कब ये फेल होती है, कब एक्सेप्शनल केस आते हैं, ऐसा कुछ चलता है केमिस्ट्री में। और बायो में क्या प्रोसेस है, मैकेनिज्म क्या है, इसका वर्किंग प्रोसेस क्या है, अगर हार्ट पढ़ रहे हैं, कॉकरोच पढ़ रहे हैं, ये जो भी है। इसके बाद तीसरे स्टेप में आप फाइनल प्रिपरेशन की तरफ आएंगे। और जो भी आपके टीचर, कोई भी टीचर हो, कोई भी कोचिंग हो, सबसे एक चीज होती है कि जो वो पढ़ा रहा होता है तो कुछ बेसिक प्रॉब्लम एग्जाम क्लास में कराता है, न्यूमेरिकल्स और प्रॉब्लम कह सकते हो आप, तो वो जो टीचर ने क्लास में कराए थे उनको ध्यान से पढ़ो, उनको सॉल्व करो, चाहे वो न्यूमेरिकल है चाहे वो प्रॉब्लम है किसी भी सब्जेक्ट की। इस तरीके से आपका ये तीन फेज में आपका पूरा सिलेबस हो जाएगा। अगर मान लो कोई एक फेज आपका रह भी जाता, मान लो ये दो पूरे हो गए आपके और तीसरे फेज में आपका दो चैप्टर का ही न्यूमेरिकल और प्रॉब्लम कर पाए, कम से कम ये तो है ना, बाकी सारे चैप्टर आपके एक बार बेसिक लेवल पे तो कंसेप्ट तो आपको पता है ना। क्योंकि ये जो न्यूमेरिकल होते हैं, ये जो बेसिक न्यूमेरिकल होते हैं, ये टीचर, जो भी टीचर पढ़ा रहा है आपको किसी भी कोचिंग में, स्कूल के टीचर जो भी है, वो क्वेश्चन रखने की कोशिश करता है जिससे मैक्सिमम कंसेप्ट क्लियर हो जाए। तो ये न्यूमेरिकल नहीं छोड़ने आपको, ये जरूर करके जाना है आपको जो क्लास में प्रॉब्लम कराई है, सॉल्व एग्जांपल। इसके बाद फिर आप, अगर ये काम आपका पूरा हो जाए, इसके बाद आप देखिए बचे हुए टाइम को आप कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, कैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर सकते हैं, कैसे प्रैक्टिस शीट कर सकते हैं अगर आपके टीचर ने दी है, तो बाकी सारा काम इसके बाद करें, ठीक है?
और मैं श्योर हूं इस बात से कि जो रिवीजन का तरीका आपका था, अगर उससे आपके नंबर जो भी आ रहे हैं इस रिवीजन के मेथड से, पहली बात तो फेल नहीं हो सकते, दूसरा जो भी आपका स्कोर आ रहा था उससे बेटर स्कोर आएगा और कम टाइम में आप ज्यादा सीख पाएंगे। तो बच्चों ये वीडियो आप ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को शेयर कर देना ताकि उनका भी कुछ फायदा हो जाए, और उम्मीद करते हैं कि आपको ये काफी समझ में आया होगा। और अगली वीडियो में मिलते हैं फिर दोबारा किसी और नए मुद्दे के साथ, टॉपिक के साथ। आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि आपकी क्या प्रॉब्लम है, वीडियो के पहले एक घंटे तक सारे कमेंट के जवाब दूंगा मैं। बाय बच्चों, थैंक यू डियर पेरेंट्स। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए फिजिक्स मास्टर एकेडमी को और करें अपने नीट जेईई मेंस के वीपीवाई का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ।